पानी का कराची में क्वांटिटी के हवाले से कोई मसला नहीं। कराची को 650 मिलियन गैलन्स पानी इंडस से मिलता है और हब डैम से मिलता है, दो सोर्स। तकरीबन 30% इलाकों को बिल्कुल नहीं मिलता, जहां ज्यादातर गरीब रहते हैं, डिफिसिट एरिया। वो क्यों नहीं मिलता? इसलिए कि जहां पर हमारे बल्क पानी की सप्लाई लाइंस हैं, यानी इंडस से घारों पानी आता है, घारों से पिपरी, पिपरी से वो जाता है नई सब्जी मंडी पानी, और फिर डिस्ट्रीब्यूट होता है एक ब्रांच घारों से नीचे आता है शारा फैसल करूट, फिर डिफेंस और लियारी इसको पानी सप्लाई करता है। कराची की हमने सर्वे की पानी की कि तकरीबन 650 मिलियन गैलन पानी, यानी के 65 करोड़ गैलन, उसमें से 24 करोड़ गैलन साइफन होता है, 41% पानी निकाल लिया जाता है, और वो बल्क से निकाल लिया जाता है, बड़े पाइपलाइन से निकाल लिया जाता है, और जो निकालते हैं वो गरीब लोग नहीं, वो बहुत बड़े ग्रुप ऑफ लोग हैं जिनको पूरी सपोर्ट है हुकूमती एजेंसीज की तरफ से, इलाकाई नाजिम, काउंसिलर, पुलिस, सब। यहाँ पर वही बात आती है, मेगा प्रोजेक्ट तो डिसैलिनेशन प्लांट भी ना, जिसमें से आप कमीशन भी ले सकते हैं, लेकिन मेगा मैनेजमेंट को छोड़ दिया। 41% जो चोरी हो रहा है, बड़े बड़े लोग चोरी कर रहे हैं, जिससे तकरीबन 50 अरब रुपए कमाया जा रहा है साल का, उसको तो कंट्रोल करें। ये जरूर कहा जा रहा है कि लैंड माफिया है शहर में, लैंड माफिया कोई नहीं, लैंड माफिया हुकूमती इदारे हैं, लैंड माफिया हुकूमती एजेंसी है, जो किसी जमीन को बस चले तो छोड़ेंगे। अभी बहुत ज्यादा सरमाया पाया जाता है पूरे दुनिया में, जो हमेशा नजर रखती है कि कहाँ हम इन्वेस्ट कर सकते हैं कि ज्यादा से ज्यादा हमें प्रॉफिट मिले, तो उनके नजर में कराची है, जिसकी वजह से हमने देखा है कि पिछले 5 साल के अंदर बेतहाशा लैंड सप्लाई हो रहा है, लैंड पे कब्जा किया जा रहा है, तो साहिल समंदर भी इसी का शिकार है। हमारे नजर में तो बजाय इसके के मेगा प्रोजेक्ट्स लाएं, या मेगा ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट्स लाएं, या कहते हैं ना मेगा रोड प्रोजेक्ट लाएं, बजाय मेगा प्रोजेक्ट्स की जरूरत है मेगा मैनेजमेंट की। मेगा मैनेजमेंट में आपको बहुत जहन चाहिए, बहुत कोऑर्डिनेशन चाहिए, बहुत डायलॉग चाहिए। मेगा प्रोजेक्ट्स में क्या चाहिए? पैसा चाहिए और ठेकेदारी, ठेका देने का निज़ाम चाहिए बस। तो मेगा मैनेजमेंट की ज़रूरत है। मेगा मैनेजमेंट में वो भी आता है कि हमारे ट्रीटमेंट प्लांट क्यों बंद पड़े हुए हैं, क्यों नहीं मेंटेन होते, क्यों उनकी ज़मीन हथिया ली जाती है, ये सब मैनेजमेंट का। ये तो सिर्फ कॉन्क्रीट है और कंस्ट्रक्शन है और ठेका है और कमीशन है और कुछ नहीं, ये डेवलपमेंट नहीं है। डेवलपमेंट ह्यूमन डेवलपमेंट, डेवलपमेंट कॉन्क्रीट से कहाँ से आती है? डेवलपमेंट 5-स्टार होटल तो नहीं है। मैं तो ये भी समझती हूँ कि दुबई इज नॉट मॉडल। दुबई कैसे मॉडल हो सकता है? हमारी कराची की इतनी हिस्ट्री है, हमारी कराची इज कराची। हाउ कैन वन से कि दुबई बन जाए या सिंगापुर बन जाए? क्यों बने भाई? कराची कराची बने, अपनी हिस्ट्री है, लोगों की हिस्ट्री है। लिटरेरी फेस्टिवल में भी मैंने परवीन से पूछा था, परवीन तुम ये अपना रिसर्च जो है ये शायद पब्लिश क्यों नहीं करते? तो कह रही थी कि यार नहीं, अगर ये पब्लिश हो गया ना तो एनीथिंग कैन हैपन टू मी। तो उससे एक अंदाज़ा भी मुझे था कि शी वॉज इन डेंजर। दो दिन पहले जब मैंने उसको कहा था कि अब इतना लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इतना ख़राब है, पोलियो वर्कर्स को मार रहे हैं, परवीन थोड़ा सा तुम एहतियात करो, उसने कहा कि नहीं मुझे तो कोई नहीं जानता है, बट एवरीबडी न्यू हर, शी वाज टारगेटेड।